Hi, this is Sanmay. I am from Haryana. I scored 657 marks in NEET 2021. So, I want to share my NEET strategy with you all. तो जो मेरी प्रिपरेशन थी उसका मेन पॉइंट था कंसिस्टेंसी, मींस मैं अपने पूरे दो साल में पूरा कंसिस्टेंट रहा। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक आ गया था, ऐसा नहीं कि मैं दो दिन पढ़ा तीन दिन नहीं पढ़ा। मतलब बच्चे पूरा साल पढ़ लेते हैं, लास्ट में नहीं पढ़ते तो उनके ब्रेन से सारा स्किप होने लग जाता है। So first let's start with biology. In my class 11th, I came across Dr. Sachin Kapoor sir, जब सर ह्यूमन फिजियोलॉजी करवा रहे थे। तो जब मैंने उनका लेक्चर देखा तो मैं देखा वो एनिमेशंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को भी बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर कर देते हैं। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की एक लाइन में बहुत डीप मीनिंग होता है, तो सर वही डीप मीनिंग बहुत क्लिस्टर क्लियर करते हैं। सर की वजह से ही मुझे बायोलॉजी में बिल्कुल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब मैं एनसीईआरटी में या तो कोई मेन पॉइंट अंडरलाइन कर लेता था या साइड में लिख लेता था। एंड नेक्स्ट फिजिक्स में मैंने वैरायटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रखे एंड नीट के पीवाईक्यूज भी करे थे। एंड जो स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन है KCET एंड KEN, जो इनके रिसेंटली PYQs आए वो भी इन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया था। एंड एट लास्ट केमिस्ट्री में मैंने जो ऑर्गेनिक है उसमें NCERT को ही फॉलो किया। मीन मैंने रिसेंटली देखा था लास्ट ईयर कि रिएक्शन इंटरमीडिएट से क्वेश्चन आया था, तो इस साल भी रिएक्शन इंटरमीडिएट से क्वेश्चन आया तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ लास्ट ईयर के एनालिसिस करके। एंड इन फिजिकल में जो चैप्टर के बीच में एक्सरसाइज जो सोल्ड क्वेश्चन होते हैं उससे भी पिछले साल क्वेश्चन आया था एंड इस ईयर भी आया इक्विलिब्रियम से। एंड एट लास्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइन टू लाइन पढ़ना है, स्पेशली ब्लो केमिस्ट्री। मैंने बायोलॉजी में एनसीईआरटी को रेफर किया था, मतलब मैं डॉक्टर सचिन कपूर सर के लेक्चर देख लेता था फिर एनसीईआरटी को पढ़ लेता था, जिससे मेरी एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती थी। एंड फिजिक्स मैंने DC पांडे को रेफर किया, मतलब उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया PYQs एंड KCET KEN के क्वेश्चन से मेरा बहुत अच्छी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो गई थी। एंड एट लास्ट केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को ही रेफर किया। एंड फिजिकल में मैंने एनोवर्स थी, मतलब प्लस वन में ही की थी, फिर मैंने एनसीईआरटी पे फोकस करना शुरू कर दिया था। एंड टेस्ट सीरीज आपको मींस वीकली बेसिस पे देनी है, ऐसा नहीं कि एक टेस्ट छोड़ दें, मतलब प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। मतलब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बेस्ट रहती है, पर मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही करी थी एंड मैंने प्लस वन में टेस्ट सीरीज नहीं ली, जिसकी वजह से मेरा एक वीक पॉइंट रह गया। मैंने प्लस टू टेस्ट सीरीज ली, अगर मैं प्लस वन में टेस्ट सीरीज लेता शायद मैं ज़्यादा स्कोर कर पाता। मेरी पूरी जर्नी में मेरे मदर एंड फादर का फुल सपोर्ट था, और जब मेरा फ्री टाइम होता था मींस मैं माइंड फ्रेश करने के लिए TMKOC एंड कोई गेम वगैरह खेल लेता था लाइक बैडमिंटन वगैरह। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू केमिस्ट्री एंड बायो तो सारे बच्चे कर लेते हैं, पर दिक्कत फिजिक्स में आती है, इसलिए मैं कहूँगा फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। जिन बच्चों की 2021 में फिजिक्स स्ट्रॉन्ग थी उन्होंने जरूर बहुत अच्छा स्कोर किया है। एंड मेरा कोई ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था, मैं अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से मैक्सिमम करने की कोशिश करता था सिलेबस एक दिन में। एंड मैं रात को ही मतलब लेट नाइट स्टडीज़ ज़्यादा करता था, क्योंकि मतलब मेरे डे टाइम में ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं था पढ़ने वाला। आपको टाइम लगा के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मीन्स जब आप टाइम बाउंडेड टाइम में क्वेश्चन करेंगे इससे आपके ऊपर एग्जाम डे के दिन प्रेशर नहीं पड़ेगा। इस चीज़ ने मुझे बहुत फ़ायदा किया, मतलब मैं अपने प्रिपरेशन के वक्त टाइम लगा के क्वेश्चन सोल्व करता था, जिस पे मुझे एग्जाम डे के दिन बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ा और मैंने अपना पेपर बहुत जल्दी टाइम में पूरा कर लिया था। एंड लास्ट में मैं जो क्वेश्चन रह गए थे उनको सोल्व करने चला गया था। सो एट लास्ट, जैसा कि नीट में हर सब्जेक्ट की फुल इम्पोर्टेंस है, सो थैंक यू सचिन सर फॉर मेकिंग माई बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग।